जय हिंद एवरीवन। बहुत सारे भाइयों को तो पता चल गया होगा, लेकिन ये वीडियो सिर्फ उन भाइयों के लिए है जिनको बीआरओ भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है। देखो, बीआरओ की नई भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। इसमें टोटल 246 वैकेंसी है। पूरे भारत में किसी भी राज्य से रहोगे, इसमें ऑफलाइन फॉर्म भर के भर्ती देखने जा सकते हो। और ये भर्ती हर साल निकलती है, ऐसा नहीं है कि ये भर्ती किसी वेबसाइट पर नहीं दिखाता है। जैसे इंडियन आर्मी की जब भर्ती निकलती है तो इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखा देता है ना, और कोई भी भर्ती निकलती है तो सरकारी रिजल्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखा देता है। सेम उसी तरह जब बीआरओ की भर्ती निकलती है ना, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरा का पूरा नोटिफिकेशन दिखा देता है। अभी मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर सब कुछ दिखा दूंगा। जैसे पता है क्या होता है, देखो जब कोई ऑनलाइन भर्ती निकलती है तो सभी भाइयों को पता चल जाता है, लेकिन जब कोई ऑफलाइन भर्ती निकलती है तो सब लोगों को नहीं पता चल पाता है। और सब लोग, कुछ लोगों को पता भी चलता है ना, तो लोग बोलते हैं यार इसमें जैसे कॉलिंग लेटर आता ही नहीं है, ये सब फर्जी भर्तियां होती है, इसमें नहीं भरना चाहिए, तो वो लोग भरते ही नहीं है। तो इसलिए इसमें मतलब उतना हार्ड कंपटीशन नहीं होता है जितना ऑनलाइन में होता है। तो जितने भाइयों को इसमें फॉर्म भरना होगा, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, मतलब थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। फॉर्म भी मैं आप लोगों को दे दूंगा और इसमें क्या क्या प्रोसेस है सारा का सारा प्रोसेस बता दूंगा। इसमें एनसीसी वालों को पेपर में छूट मिलेगा और स्पोर्ट वालों को भी पेपर में छूट मिलेगा, और इसमें हाइट भी कम मांगा है। तो कुछ भाइयों के मन में ये चल रहा होगा कि भाई इसमें वर्दी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें काम क्या करना पड़ेगा और कहाँ पर रहना पड़ेगा। तो देखो यार, अभी आप लोग देखे होंगे हम लोगों के तरफ का जो रोड होता है ना, वो रोड पूरा का पूरा सिंपल होता है, सीधा होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के तरफ जहाँ मतलब पहाड़ी एरिया होता है, उधर का रोड सिंपल नहीं होता है, सीधा नहीं होता है, पहाड़ों पर रोड होता है। कोई कोई तो ऐसा जगह होता है ना, मतलब रोड पर जैसे पूरा का पूरा बर्फ जम जाता है, पूरा का पूरा पहाड़ी टूट कर गिर जाता है, तो हमारा आर्मी वाला जो जीप होता है वो मतलब जा नहीं पाता है, रोड पूरा जाम हो जाता है। तो उसको मतलब हटाने के लिए, बर्फ को हटाने के लिए, पहाड़ को हटाने के लिए, रोड को अच्छे से बनाने के लिए बीआरओ वाले लोगों को लगाया जाता है। जो ये भर्ती निकली है, जो लोग इसमें सिलेक्शन ले लेते हैं ना, उन्हीं लोगों को लगाया जाता है। और इसमें बस वर्दी नहीं मिलती है, बाकी आप इंडियन आर्मी के साथ रहकर काम करोगे, ठीक है ना। आपके आसपास में सब लोग इंडियन आर्मी ही रहेंगे, लेकिन सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है और हाइट इसमें कम मांगा है। तो जिन लोगों का हाइट कम रहता है, स्पेशल मैं उन्हीं लोगों के लिए बता रहा हूँ, बाकी जितने लोगों का इसमें च्वाइस होगा, जिन लोगों के पास एनसीसी सी होगा, वो लोग इसमें भरकर भर्ती देखने जा सकते हैं। तो अभी पहले इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और पूरा नोटिफिकेशन देख लेते हैं। जो भाई पूरा वीडियो देखा होगा उसको सब कुछ समझ आ गया होगा, उसको कुछ पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो जितने लोगों को इसमें फॉर्म भरना होगा, ऑफलाइन फॉर्म भरना, जितना भी डॉक्यूमेंट बताया हूँ वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट लगाना और अपने पोस्ट ऑफिस पर ले जाकर पोस्ट करना है, ठीक है ना। और कौन सा पोस्ट करना है ये नोटिफिकेशन में दे दिया है। आप लोग अपने तरफ से भी एक बार पूरा का पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से देख लेना, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा उसको देख लेना। वैसे मैं पूरा का पूरा खोज खोज कर, मैं क्या बताऊँ यार, ये वीडियो बनाने में कम से कम 1.5 घंटा लग गया है, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया हूँ और उन भाइयों के लिए मेहनत किया हूँ ना, जिन लोगों का हाइट थोड़ा कम रहता है, जिनको कहीं भी होने का चांस ही नहीं रहता है और उनका सपना रहता है सिर्फ फौज के साथ रहना, ठीक है ना। तो इसलिए देख लेना, अब ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल में भी भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन इसका फॉर्म आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, अगर आप नहीं जुड़े होंगे, पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, तो टेलीग्राम इसका फॉर्म मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, तो वहाँ से इसका फॉर्म मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग इसका फॉर्म मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, तो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन अपने तरफ से भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। देखो, जब गूगल पर बीआरओ लिखोगे ना, बीआरओ लिखने के बाद सबसे ऊपर ही इस तरह का आ जाएगा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जब इस पर क्लिक करोगे तो जिस तरह इंडियन आर्मी का पेज खुलकर आपके सामने आ जाता है ना, सेम उसी तरह बीआरओ का भी पेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अभी देखो, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर क्लिक करते हैं जो नई वाली भर्ती है। जब इस पर क्लिक करेंगे ना, तो कुछ ऐसा प्रोसेस आपके सामने खुल कर आएगा और इस तरह का जब आएगा तो यहाँ पर क्लिक करना है। जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारा का सारा नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। आप लोग खुद देखो, बीआरओ भर्ती का फॉर्म सहित पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो चुका है और इस नोटिफिकेशन में बहुत सारा पेज है। तो जो भाई इसको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे वो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में पड़ सकते हैं कि यार इसमें तो बहुत कुछ दिया है, पता नहीं कितना पास मांगा होगा, कितना हाइट मांगा होगा और किस तरह से फॉर्म भरना होगा। तो भाई कन्फ्यूजन में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है,
ठीक है ना, इतना सब कुछ जानने का जरूरत ही नहीं है। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सारी बातें मैं आप लोगों को लाइव दिखा भी दे रहा हूँ और बता भी दे रहा हूँ, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। देखो सबसे ऊपर दिया है यहाँ पर ओनली मेल कैंडिडेट नीड टू अप्लाई, इसमें सिर्फ लड़के फार्म भर सकते हैं, लड़कियाँ फार्म नहीं भर सकती हैं, पहले ही आप लोग जान लो, यहाँ साफ साफ लिख दिया है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर नीचे दिया है ना सेंटर फॉर फिजिकल इफिशियंसी, मतलब जैसे आपका पेपर होने के बाद दौड़ कहाँ पर कराया जाएगा, आपका फिजिकल कहाँ पर कराया जाएगा और ट्रेड टेस्ट कहाँ पर कराया जाएगा, वो जगहों का नाम दिया है। तो यहाँ पर दिया ना ऑल टेस्टेड वुड बी कंडक्ट एट ग्रीफ सेंटर, यहाँ पर जैसे आपका पुणे में जो ये वाला सेंटर है यहाँ पर आपका फिजिकल कराया जाएगा, ठीक है ना। और अब बात कर लेते हैं नीचे देखते हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट बातें हैं, बस इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे, ठीक है ना, नहीं तो आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़ जाओगे। अभी डॉक्यूमेंट के बारे में भी बता दिया है, सारी चीज़ों के बारे में इसमें बता दिया है, नीचे मैं आप लोग को चलता जाऊँगा बताता जाऊँगा, ठीक है ना। और ध्यान से आप लोग देखते जाना, सिंपल 10 पास वालों के लिए भी भर्ती है और जिनके पास ITI है और 12 पास है उनके लिए तो बहुत सारी भर्तियाँ हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ सुपरवाइजर स्टोर में 18 से 27 साल तक एज मांगा है और इसमें भी 18 से 27 साल तक मांगा है और हिंदी टाइपिस्ट में भी 18 से 27 साल तक मांगा है और इसमें भी 18 से 27 साल तक मांगा है, ठीक है ना। और नीचे दिया है इलेक्ट्रीशियन वाले में भी 18 से 27 मांगा है, बेल्डर वाले में भी 18 से 27 साल तक एज मांगा है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये वाला जो दिया है मल्टी स्किल्ड वर्कर कुक, कुक वाले में 18 से 25 साल तक एज मांगा है, तो कुक वाले याद रखना क्योंकि कुक वाली जो भर्ती है ये सिंपल 10 पास से है, ठीक है ना, दिमाग में बैठा लेना। और जिनके पास 12 होगा, BA होगा, ITI होगा, उनके लिए तो सारी भर्तियाँ हैं, ठीक है ना। नीचे अभी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। और देखो एज में छूट भी मिलता है, तो वो तो आप लोगों को पता ही होगा, SC ST वालों को 5 साल का छूट मिलता है और OBC वालों को 3 साल का छूट मिलता है। और देखो जिन भाइयों के पास NCC C होगा उनको पेपर में 10 नंबर का छूट मिलेगा, 10% का छूट मिलेगा, और जिन भाई के पास NCC B का सर्टिफिकेट होगा उनको पेपर में 5% का छूट मिलेगा, ठीक है ना। और जिनके पिताजी जैसे पहले से मतलब भर्ती हुए होंगे, एक्स सर्विसमैन के लड़के होंगे, तो उनको 3% का छूट मिलेगा। और जिस भाई के पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट होगा, चाहे स्टेट लेवल का हो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, तो उनको 5% का छूट मिलेगा, ठीक है ना। और नीचे यहाँ पर दिया है जैसे ये जो बताया ना इन केस कैंडिडेट, जैसे बताया ना अगर आपके पास NCC B का भी सर्टिफिकेट है और C का भी सर्टिफिकेट है, तो आप सोचोगे भाई C वाले में 10% मिल जाएगा और B वाले में 5% मिल जाएगा, चलो 15% का काम बन जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। बस C सर्टिफिकेट का मान्य होगा, बस आपको जैसे 10% का छूट मिलेगा। और इसमें एप्लीकेशन फीस कितना देना है ये भी आप लोग देख लो, ये वाला जो लिंक है ना आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना, BRO के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर 50 रुपया पे करना है, ठीक है ना। अगर आप नहीं पे कर पाना तो जो ऑनलाइन करते होंगे लोग ना उनसे करवा लेना, उनसे बोल देना कि मतलब इसी पर पे करना है 50 रुपया। वो भी किनको किनको पे करना है, जनरल वालों को, EWS वालों को और एक्स सर्विसमैन वालों को 50 रुपये पे करना है, ठीक है ना। SC ST वालों को छूट है, ऑफलाइन में SC ST वालों का तो छूट ही रहता है। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पर ये जो दिया है हाउ टू अप्लाई, मतलब इसको अप्लाई कैसे करें, तो अभी नीचे मैं आप लोगों को फार्म दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले इस फार्म को भरना है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, अगर आपको इंग्लिश ज़्यादा आ रही है तो आप इंग्लिश में फार्म भर दो, अगर हिंदी आ रही है तो हिंदी में फार्म भर दो। फार्म भरने के बाद फिर आपको अपने पोस्ट ऑफिस पर ले जाना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को नीचे बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर नीचे डॉक्यूमेंट के बारे में बताया है तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। सबसे पहला नंबर पर दिया है कॉल लेटर, तो ये कॉल लेटर तो इसी फार्म में मिल जाएगा। और दूसरा नंबर पर दिया है आधार कार्ड और एनी अदर फोटो, जैसे आधार कार्ड के साथ साथ आपको एक दो फोटो भी इसमें डालना पड़ेगा, ठीक है ना। और तीसरा नंबर पर दिया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जैसे सिंपल 10 पास वाले से फार्म भर रहे हो तो सिंपल 10 पास का मार्कशीट लगाना है, अगर ITI वाला फार्म भर रहे हो ना तो ITI वाला भी जैसे उसका भी जीरोक्स लगाना है, ठीक है ना। और नेक्स्ट नंबर दिया है कास्ट सर्टिफिकेट जात प्रमाण पत्र, उसके बाद से आपका अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है, ठीक है ना, अगर नहीं है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये पूरा का पूरा आप लोग देख लेना, ठीक है ना। डोमिसाइल भी लगाना है, यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी दे दिया है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अपना पास होना चाहिए और किस राज्य में कितना हाइट मांगा है
ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे दिया है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से देख लो। देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में समझना सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि सब कुछ इसी पर निर्भर करता है भाई। अभी देखो ड्रॉप्ड माइंड वाला जो है इसमें 10+2 मतलब 12 पास मांगा है। अगर आपके पास 10 का मार्कशीट रहेगा और एजुकेशन क्वालिफिकेशन अच्छे से समझे नहीं रहोगे, जाने नहीं रहोगे, ड्रॉप्ड माइंड में फार्म भर दोगे, तो उधर से आपका कॉलिंग लेटर आएगा? कभी नहीं आएगा, ज़िंदगी में नहीं आएगा, ठीक है ना। आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझना। ड्रॉप्ड माइंड में 10+2 12 पास मांगा है, 12 पास के साथ साथ इसका 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लेना। और दूसरा नंबर पर सुपरवाइजर दिया है, तो सुपरवाइजर वाले में तो डिग्री मांग दिया है, और डिग्री के साथ साथ एनसीसी बी का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जो बीए बीएससी किए रहेंगे उनके लिए ये वाली भर्ती है, ठीक है ना। और तीसरे वाले में भी डिग्री मांगा है, तो इसको भी जो डिग्री वाले लोग रहेंगे वो लोग अच्छे से देख लेंगे। और चौथे वाले में भी डिग्री मांग दिया है, ठीक है ना। और पांचवा वाला जो है हिंदी टाइप्स, इसमें डिग्री उग्री कुछ नहीं मांगा है, इसमें सिंपल 12 पास मांगा है। और 12 पास के साथ साथ यहाँ देखो दिया है टाइपिंग स्पीड, मतलब टाइपिंग स्पीड आपको आना चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, मतलब जैसे एक मिनट में 30 वर्ड अगर टाइप कर लोगे ना तो इसमें आपके लिए सही रहेगा, ठीक है ना, हिंदी टाइप्स वाले में। और छठवां नंबर पर दिया है ऑपरेटर कम्युनिकेशन, तो इसमें तो सिंपल 10 पास मांगा है ऑपरेटर वाले में, लेकिन 10 पास के साथ साथ इसमें ITI भी मांगा है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना, ITI मांगा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा है। और सातवां नंबर पर इलेक्ट्रीशियन वाला जो है इसमें भी 10 पास मांगा है, सिंपल 10 पास तो मांगा है, लेकिन 10 पास के साथ साथ इलेक्ट्रीशियन वाले में भी ITI मांग दिया है, ठीक है ना, तो इसको भी आप लोग देख लेना। और जो वेल्डर वाला है इसमें भी सिंपल 10 पास मांगा है, लेकिन 10 पास के साथ साथ ITI सर्टिफिकेट मांग दिया है, ठीक है ना, इसको भी आप लोग ध्यान से देख लेना। अब बात कर लेते हैं नौवां नंबर पर, ये वाला जो दिया है मल्टी स्किल्ड वर्कर, तो इसमें भी मैट्रिकुलेशन पास मतलब 10 पास इसमें भी मांगा है, लेकिन 10 पास के साथ साथ इसमें भी ITI सर्टिफिकेट मांगा है, इसको भी आप लोग ध्यान से देख लेना, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं ये दसवां नंबर पर, ये जो है ना मल्टी स्किल्ड वर्कर कुक, इसमें मांगा है मैट्रिकुलेशन पास, मतलब 10 पास होना चाहिए। और यहाँ जो दिया है शुड क्वालिफाई इन प्रोफिएंसी टेस्ट इन द ट्रेड टू बी, जैसे कुक में सिंपल 10 पास मांगा है, कोई भी ITI सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मांगा है, लेकिन खाना बनाने वाले में जैसे पता है आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। जैसे आसाम राइफल में कुक की भर्ती आती है ना, उसी तरह सेम इसमें भी कुक की भर्ती आती है, जैसे इंडियन आर्मी ट्रेड माइन में कुक का रहता है ना, सेम उसी तरह इसमें भी है, तो इसमें ट्रेड टेस्ट भी कराया जाएगा, ठीक है ना। सर्टिफिकेट नहीं मांगा है लेकिन ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा, उसको आप लोग ध्यान से देख लेना। इन फार्म भरना, उसका सिलेबस देख लेना और उसी के हिसाब से तैयारी करना, यहाँ से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगा। और देखो यहाँ दौड़ के बारे में बता दिया है, 1 मील दौड़ कराया जाएगा, 10 मिनट का टाइम मिलेगा, ठीक है ना। और नीचे हाइट के बारे में बता दिया है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख लेना। और इसमें से आपका कोई भी राज्य पड़ेगा ना, उन लोगों के लिए 158 सेंटीमीटर हाइट मांगा है और 75 सेंटीमीटर नॉर्मल सीना होना चाहिए 5 सेंटीमीटर फुलाकर, ठीक है ना। और वजन मांगा है 47.5 किलो। और इसमें से अगर आपका कोई भी राज्य पड़ेगा तो इन लोगों के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट मांगा है। और इसमें से जैसे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट मांगा है, ठीक है ना। और इन लोगों का सीना में 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया है, 76 सेंटीमीटर सीना मांगा है और 5 सेंटीमीटर फुलाकर होना चाहिए और वजन 50 किलो से जैसे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर ईस्टर्न यूपी से आते हो या बिहार वाले भाई लोगों के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए, उड़ीसा और झारखंड के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट मांगा है, ठीक है ना। और 75 सेंटीमीटर नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाकर और 50 किलो वजन होना चाहिए, ठीक है ना। और ये मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र इन लोगों के लिए, मतलब दादर एवं नगर हवेली, इन लोगों के लिए भी हाइट 157 सेंटीमीटर मांगा है और इन लोगों के लिए भी हाइट 157 सेंटीमीटर मांगा है। तो हाइट ज़्यादा नहीं मांगा है, ठीक है ना, 158 सेंटीमीटर से लेकर 162.5 सेंटीमीटर तक है, इन्हीं के बीच में हाइट है, तो आप लोग देख लेना, ठीक। जो भाई पूरा वीडियो देखा होगा उसको सब कुछ समझ आ गया होगा, उसको कुछ पूछने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो जितने लोगों को इसमें फार्म भरना होगा, ऑफलाइन फार्म भरना, जितना भी डॉक्यूमेंट बताया हूँ वो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट लगाना और अपने पोस्ट ऑफिस पर ले जाकर पोस्ट करना है, ठीक है ना। और कौन सा पोस्ट करना है ये नोटिफिकेशन में दे दिया है, आप लोग अपने तरफ से भी एक बार पूरा का पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से देख लेना, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा उसको देख लेना। वैसे मैं पूरा का पूरा खोज कर मैं क्या बताऊँ यार, ये वीडियो बनाने में कम से कम 1.5 घंटा लग गया है यार, हालत ख़राब हो गया है ये वाला वीडियो बनाने में, मेरा गला भी बैठने लगा है और इतना सोच सोच कर बनाया हूँ ना, इतना ज़्यादा पेज दे दिया है मुझे
समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आप लोगों को क्या क्या बताऊं। फिर भी जितना मुझे समझ आया है, जितना मुझे दिखा है, उतना मैं आप लोगों को बता दिया हूं। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आया होगा तो बीआरओ के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख लेना। अगर वहां से भी नहीं देख पाना तो मैं टेलीग्राम चैनल पर इसका पूरा का पूरा फॉर्म भी भेज दूंगा और पूरा का पूरा इसका नोटिफिकेशन भी भेज दूंगा, तो वहां से देख लेना, ठीक है ना। अभी फिलहाल मैं घर चलता हूं। अभी देखो पेड़ पर चढ़ा था, दातुन वतुअन तुरा हूँ किया हूँ, उसके बाद से जैसे ही नोटिफिकेशन तो कल ही परसों का आ गया था, तो फिर मैं सोचा हूँ आप लोगों को बता दूँ। अभी चलते हैं, बहुत भयंकर वाली भूख लगी है भाई, क्या बताऊँ यार। चलो ठीक है, जय हिंद।